हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम को लेकर के। आज के इस वीडियो में खास क्या है, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए, यहां पर एक कंपनी हमारे पास है, माँ शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस तरह का सवाल आपसे अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। अब सवाल क्या है उसको गौर से सुनिएगा और फिर इसका जवाब आप भी देने की कोशिश करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका जवाब। तो सवाल ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं, दो बार डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ही एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमें 1 अप्रैल से लेकर और 1 मई के बीच की एंट्रीज देखनी है केवल, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी करंट डेट क्या चल रहा है, देख सकते हैं 2 मई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर दो बार डी प्रेस करके देखेंगे तो आपको केवल 2 मई के डेट वाली ही एंट्री दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि F2 प्रेस करके चेंज कर लेंगे हम, तो अगर आप 1/4/2024 कर देते हैं तो यहाँ केवल अप्रैल वाली एंट्रीज ही दिखाई पड़ेंगी। देखिए, यहाँ पर ये केवल 1 अप्रैल वाली एंट्रीज है, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 2 अप्रैल कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया मैंने 2/4/2024, तो यहाँ पे 2 अप्रैल की जो एंट्री होगी वो दिखाई पड़ेगी। फिलहाल तो कोई एंट्री है नहीं, 2 अप्रैल में तो कोई भी एंट्री दिखाई नहीं पड़ रही है। तो बार बार डेट ना चेंज करना पड़े और एक ही बार में सारी एंट्रीज हमें दिख जाए, क्या कोई ऐसा तरीका है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। करना क्या है आपको, पहले 2 बार डी प्रेस कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा 2 अप्रैल। अब 2 अप्रैल की डेट को चेंज करना है तो डेट तो चेंज करना ही नहीं है, आपको पीरियड चेंज करना है। और पीरियड चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Alt F2। Alt के साथ प्रेस कीजिएगा F2, यहाँ पर 1/4/2024 कर दीजिए, एंटर कीजिए, और यहाँ कर दीजिए 1/7/2024, यानी 1/4 से लेकर 1/7 की सारी एंट्रीज एक बार में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको 1/4 से 1 मई के बीच का देखना है तो यहाँ पे फिर Alt F2 कीजिए और यहाँ पे तो 1/4/2024 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 1/5/2024। और जैसे ही ये करेंगे तो ये सारी एंट्रीज आपको देखना शुरू हो जाएंगी। तो बस यही आपको करना है। अगर आप एक पर्टिकुलर एंट्रीज को देखना चाहते हो और यहां पर जाकर के एंटर प्रेस करके वो एंट्री भी देख सकते हैं आप, यहां पर वो एंट्री भी आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा। अगर प्रिंट आउट देना चाहें तो Alt P करके प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, यहां पे Alt P प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए और आई बटन प्रेस कर लीजिए, तो यहां पर ये इनवॉइस आपको दिख जाएगी, ये बिल आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी कि ये आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशंस।